नमस्कार दोस्तों, दांतों में दर्द, दांतों का गंदे पीले होना, दांतों में कैविटी होना, इन सारी समस्याओं को एक बार में जड़ से खत्म कर देगा ये नुस्खा। दोस्तों, ये नुस्खा इतना बेहतरीन है, इतना असरदार है कि अगर आप एक बार ही इसे अपने दांतों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी काली पीली दांतों का होना, दांतों में दर्द और दांतों में अन्य समस्याओं से भी छुटकारा दिलाने में बहुत ही ज़बरदस्त साबित होता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि हमें इस नुस्खे को किस प्रकार से तैयार करने हैं। दोस्तों, इस नुस्खे में मैं जो भी इन्ग्रीडियंट इस्तेमाल करूँगा वो आपको घर पर ही बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेने हैं एक क्लीन बाउल, और इस क्लीन बाउल में हम सबसे पहले ऐड करेंगे वो है दोस्तों हल्दी पाउडर, यानी कि टर्मरिक पाउडर। जी हाँ, आपको इस हल्दी पाउडर को बाजार से नहीं लेने हैं। दोस्तों, बाजार वाले हल्दी पाउडर में कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, इसीलिए आप अपने घर पर शुद्ध देसी जो भी हल्दी पाउडर है उसे इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस हल्दी पाउडर की मदद से आपके दांतों के अंदर जो भी कीड़े हैं उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है, साथ ही साथ आपकी दांतों की दर्द की जो समस्या है उन्हें ये दूर करने में हमारी मदद करता है। तो हम यहाँ पर लगभग आधी चम्मच की मात्रा में ले लेते हैं हल्दी पाउडर। इसके बाद से हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों नमक। जी हाँ, आप जो खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं उसी नमक को यहाँ पर आपको लेना है। दोस्तों, इस नमक की मदद से आपके गंदे पीले दांतों को बिल्कुल मोती की तरह सफ़ेद चमकदार बनाने में मदद करता है। तो आपको यहाँ पर लगभग आधी चम्मच की मात्रा में इस नमक को ले लेना है। इसके बाद से हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों लौंग का तेल। जी हाँ, लौंग के तेल की मदद से आपकी दांतों में जो दर्द है, आपके दांतों में जो काली पीली परत है या आपके मसूड़ों में सूजन है, तो इन सारी समस्याओं में ये लौंग का तेल बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। दोस्तों, ये लौंग का तेल आप पंसारी की दुकान पर से बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लगभग आधी चम्मच की मात्रा में इस लौंग के तेल को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लगभग आधी चम्मच की मात्रा में इस लौंग के तेल को ऐड कर लिया। अब हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों ये तुलसी के पत्ते का पेस्ट। जी हाँ, तुलसी के पत्ते के पेस्ट में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि आपके दांतों के अंदर जो भी कीड़े होते हैं, मसूड़ों में सूजन होते हैं, उन्हें ये दूर करने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं ये तुलसी का पत्ता है और ये वाला तुलसी का बीज है। दोस्तों, आपको यहाँ पर तुलसी का बीज का भी सेवन करना है। तो हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्सी ग्राइंडर की सहायता से पीस कर इसका पेस्ट तैयार करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले से ही इसे पीस कर तैयार किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लगभग एक चम्मच की मात्रा में इस पेस्ट को इसमें ऐड कर लेते हैं। अब हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों, नुस्खा बिल्कुल ज़बरदस्त होगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये नुस्खा एकदम से नेचुरल है। अगर आपके दांतों में दर्द, मसूड़ों में सूजन, दांतों में कैविटी और आपके दांतों का गंदे पीले होना, इन सारी समस्याओं को एक बार में ही ये नुस्खा जड़ से खत्म कर देगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार के नुस्खे को अगर आप मेरे बताए भली भांति यूज करेंगे तो उसका बेहतर परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि जो भी लोग पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू इत्यादि के इस्तेमाल करने के कारण से उनके दांत गंदे पीले हो चुके हैं तो वो भी अपने दांतों की सफाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा नुस्खा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए अब हम जानते हैं कि हमें इस नुस्खे को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको जब भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है तो आप इसे तुरंत तैयार करें। आपको क्या करना है कि आपको एक ब्रश लेना है और
इस ब्रश को आपको इसके अंदर डीप कर लेने हैं, यानी कि आप जो सुबह कोलगेट इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोलगेट इस्तेमाल नहीं करना है और आपको इस पेस्ट को अपने दांतों के ऊपर लगाना है। अगर आप अपने दांतों के ऊपर इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत बिल्कुल सफ़ेद और चमकदार हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके दांतों में जो दर्द है वो समस्या ख़त्म हो जाएगा। या आपको दिन में कभी भी दांत दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाए तो आप क्या करें कि आप एक कॉटन लें और इस कॉटन को इसके अंदर ऐसे डीप करें और इस कॉटन को अपने दांतों में जहां पर भी दर्द है उसको इस पर रख दें। दोस्तों अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके दांत दर्द की भी समस्या बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी जानकारी यहीं तक। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।